गुड मॉर्निंग, बोले तो सुप्रभात। बोले तो भागम भाग शुरू, और अपना मुंबई में बोले तो फुल स्पीड में शुरू। कोई इधर भाग रहेला है, कोई उधर भाग रहेला है। बोरीवली से विरार, विरार से बोरीवली, चर्च गेट। भागम भाग। और इसी भागम भाग के बीच आ मिला है अपना एक दोस्त अज्जू भाई। बोले तो अर्जुन शेखावत। इसे सब लोग प्यार से अज्जू भाई बुलाते हैं। कॉलेज का दूसरा साल। अज्जू भाई के बारे में एक खास बात बताऊं? अज्जू भाई बोले तो कॉलेज का फुटबॉल चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन। केसरिया बालम आओ नी। बोले तो राजस्थान से आया इधर, लेकिन मुंबई में फिलहाल हॉस्टल में रहने लगा, वो भी पूरे स्टाइल के साथ। अज्जू भाई का एक ही प्रॉब्लम, पढ़ाई में बोले तो बिल्कुल जीरो, पर हॉस्टल में बोले तो बाप रे बाप। देव, तूने अज्जू भाई को जानबूझ के गिराया है। कम ऑन यार, टेंशन क्यों ले रहा है? प्रैक्टिस मैच है, फाइनल नहीं। चल। अर्जुन, अर्जुन, हमें एक गोल चाहिए। अर्जुन गोल। रिलैक्स यार, प्रैक्टिस मैच है, फाइनल नहीं। हेलो तनु, कहाँ है तू? अज्जू, अज्जू जू, अज्जू मेरा सेकंड कॉल आ रहा है यार, आई विल कॉल यू बैक। चल बाय बाय। हाँ विमी, हाँ यार वेट कर रहा हूँ यार, अभी तक नहीं आई यार। हाँ यार वेट कर रहा हूँ ना मैं यार, नहीं यार दिख भी नहीं रही है अभी तक। शी इज कमिंग, चल बाय, कॉल करता हूँ तेरे को, बाय 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 बाय। अरे हाँ बाबा, तेरा प्लान काम आ रहा है, चल भाई, चल बाबा, बाय बाय बाय। तन्मय शास्त्री। बोले तो तन्नु भाई, कॉलेज का दूसरा साल, अपने मम्मी पापा के साथ इधर मुंबई में रह रहे, और मम्मी पापा ही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बोले तो पापा इसका ही कॉलेज में प्रिंसिपल, और मम्मी भी उधर ही टीचर। लाइफ का एक लफड़ा और है। बोले तो लड़की लोग। और उससे भी बड़ा लफड़ा, अभी तक कोई पटी ही नहीं। पर अपना तन्नु भाई हार मानने वाला नहीं है, इसका टिराए अभी भी चालू है। ऐसा नहीं। हाय, मैं हम उधर चल के बात करते हैं। आई जॉइन यू गाइस। तुमने भेजा है?
वैसे थैंक्स आनिया, तुमने यहाँ साइड में बुलवा लिया। वुड हैव फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड देयर, राइट? नॉट लिटिल, नॉट लिटिल, मच मोर लिटिल। ये तुम्हें वहां ज्यादा ऑकवर्ड लगता नहीं? सॉरी, एसएमएस के टुकड़े नहीं दे सकती, वो मैं डिलीट कर चुकी हूं। विमला मेहता, अरे तो अपना विम्मी बहन। ओढ़नी ओढ़े तोड़ी उड़ी जाए। अरे नहीं 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 बाबा, इसके बारे में कुछ नहीं बोलने का, क्योंकि जब ये बोलती तो और कोई नहीं बोलने को सकता। इसका एक ही शब्द ऐसा ऐसा अंग्रेजी कार चलाने, पर अभी काली देखने को सकती। चलाने के लिए पापा ने एक छोटी कार दे रखी। लक्ष्मी अय्यर बोले तो क्या बोलने का बाप, किसको देखने के बाद सबकी बोलती बंद। मुत्तुकड़ी कवाड़ी हड़ा हड़ा हड़ा। केरला से आई लिए थे, हॉस्टल में रह लिए, और जब तलक मुंबई में रहने की अपने दिल की करनी, क्योंकि मालूम कि केरला में ये सब पहनने को नहीं सकती। और इधर पहनने से अगर मुंबई के लड़का लोग का वाट लगता है तो लगने दो। लो, आ गई विजय, मिस विजया लक्ष्मी। Hi, how's my dress? विजया, अब ये तो तुम्हें उन लड़कों से पूछना चाहिए था, जो बेचारे तुम्हें देखकर अपना होश खो बैठे। Anyways, I want to show you something. Something? What do you mean something? Shut up, यार। ये देख। Wow, it's amazing. Nice, ना? Slim and sexy, just like me. एक मिनट। अरे, first SMS. Yes. किसका है किसका? अभी देखती हूँ। Oh no, क्या हुआ? अपुन समर भाई नहीं, अपुन चीनी। नहीं, नहीं, चीनी बोले तो चाय में मिलाने का चीनी नहीं, चीनी बोले तो अपुन का नाम चीनी। जो अभी आपको सब लोग के बारे में राम कहानी सुनाया, समर भाई से मिलने का। समर गुलाटी बोले तो हमेशा ऐसे सबका वेट करने का, पूरे ग्रुप में सबसे समझदार। साहब इसका बात मान, सब दोस्त लोग में अकेला यही कमाने वाला, पार्ट टाइम दो सेठ लोग के यहाँ हिसाब किताब का काम करता है। हिसाब किताब बोले तो अकाउंट। इसको खाली एक ही काम नहीं आता, गुस्सा, थोड़ा नाटक करता है, पर थोड़ी देर में मस्त कुल्फी का माफिक ठंडा। अभी देखो पौने घंटे से वेट कर रहा है सबका, और अभी पौना घंटा और वेट करना पड़ेगा। जब सब लोग आ जाएगा तो समर भाई को समझ नहीं आएगा कि क्या बोलने का। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं तुम लोगों को। हंस रहे हो? अरे
कुछ तो शर्म करो सालो। मिस्टर समर गुलाटी, कुछ ढंग की चीज करने के लिए बोलिए तो हम करें, शर्म भी कोई करने की चीज है यार। और नहीं तो क्या। ओके ओके ओके, अब जल्दी से बताओ प्लान क्या है। गाइस, आई एम स्टिल ऑन खंडाला फेवर और मैंने तो अपनी नई ड्रेस भी बनवा ली है। कुल मेरी तरफ से भी खंडाला जिंदाबाद। अपनी तो पाठशाला चलना है खंडाला। मैं नहीं आ सकता क्योंकि आते आते रात हो जाएगी, मुझे बहुत काम है उसे। अरे यार, दिस इज आवर लास्ट संडे और इसके बाद एग्जाम टेंशंस। मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट संडे हम लोग ईच एंड एवरी सेकंड पार्टी करके बिताएं। वाओ, मस्ती, धमाल, ड्रिंक्स, वाओ। आई एग्री बट एनीथिंग इन मुंबई बट नॉट खंडाला यार, प्लीज। इवन आई एग्री, अगर मैं भी हॉस्टल में लेट हो गई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी यार। हे गाइस, जस्ट चिल यार, वैसे भी हमारे ऊपर है, सिंपल, हम लोग वहां से जल्दी निकलेंगे। और क्या, एज सिंपल एज दैट। ये रोज का इनका हर बात में लफड़ा, किसका बात मानने का किसका नहीं मानने का कुछ समझ नहीं आता। और हाँ, इस बार तन्नू भाई कैसा भी रोध हो के चिल्लम चिल्ली करके सब लोग को खंडाला जाने के लिए मना लिया। सुबह यहीं से निकलेगा सब लोग। ओके बाय। व्हाट द हेल इज दिस यार, व्हाट द हेल इज दिस। तन्नू, व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी? मैं तो आया हूं ना। वो तो मुझे दिख रहा है यार, मैं उन तीनों की बात कर रहा हूं। लास्ट मोमेंट पे फोन करके बोल रहा है कि हम नहीं आ सकते। रिलैक्स, जस्ट चिल यार, ऐसा होता है कभी कभी। और मैं तो ये, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इस संडे को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। चल हम कहीं चलेंगे। अरे हम कहां जाएंगे तन्नू भाई, अपुन बताता नहीं जगह। चीनी, तू बताएगा? हाँ, अपुन का एरिया में चलो, मस्त फर्स्ट क्लास जगह है, कसम से। चल। अरे चलना यार, क्या नाटक कर रही है, बोला ना तेरे को 250 रुपए दूंगा, चलना जल्दी। अबे ये इलाका है तेरा, पता है ना इधर कौन आते हैं? अरे जाने देना यार, अब आ गए तो आ गए ना यार। अबे क्या मतलब आ गए तो आ गए, ये तो अपनी लिफ्ट के चक्कर में हमें यहाँ ले आया। पता है ना कौन सी जगह है, किसी ने पहचान लिया तो हम। अबे क्या बात कर रहा है यार, तेरे पहचानने वाली भी ऐसी जगह पर आते हैं क्या? ओके सॉरी यार, मैं तो ये कह रहा था कि अब यहाँ पर आ गए तो एक बार गली का एक चक्कर मार के देखते हैं यार। No, are you nuts? You have any idea what are you talking about? अरे मैं कहाँ कुछ करने बोल रहा हूँ यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार देखते हैं कि वाकई होता है या। तनु, just go to hell. तुझे चक्कर मार के आना है मार क्या, मैं यहीं पे ठीक हूँ। लेकिन याद रखना, तू 10 मिनट में वापस नहीं आना, I'm not gonna wait for you and I'll leave. 10 मिनट यार, 10 मिनट में नहीं, 10:30 मिनट में आऊंगा। चल यार चल। What happened? What happened? मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज। हाँ बट हुआ क्या? हेलो, अबे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ, मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए। हेलो सुनिए, कम यहाँ, कम विथ मी, फास्ट। लखनऊ। तुम मुंबई में कब से हो? 2 महीने से। एक्ट्रेस बनने आई थी कोरेगांव ईस्ट में, एक फ्रेंड के साथ रहती हूँ। पेपर में एड पढ़कर ऑडिशन देने गए थे हम लोग। हम लोग? और कौन था तुम्हारे साथ? ज्योतिका, वो मेरे कारण वहां पे फंसी हुई है, मुझे कैसे भी करके उसे वहां से छुड़ाना होगा। मैडम, जहां से आप बचकर आ रही हो वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो तो चीनी के चक्कर में वहां पहुंच गए थे। और वैसे भी लड़कियों को बचाना ना हमारा पार्ट टाइम जॉब है और ना फुल टाइम। तनु शट अप। देखो आशबा, हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, पर हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि पुलिस की मदद से हम ज्योतिका को छुड़ाने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि पुलिस कुछ कर पाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। आप लोग प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मुझे कैसे भी करके उसे वहां से छुड़ाना है। We'll be right back.
भाई, वो लड़की जो खोली अपने को बताया, वो ये गली के एंड में जाकर लेफ्ट में लास्ट वाला जो खोली है वो गंगाधर का है। थैंक्स सिनी। चलो चलो। अबे साले, तो तुम ही लोग आत्मा को भगा के लेके गए थे? तुम लोग गलत कर रहे हो। मेरा नाम गंगाधर है। गंगाधर जो गंगाधर यही है ज्योतिका। चल तनु, चल भाग तनु। अरे तुम उस लड़की को नहीं बचा सकते, दूसरी लड़की को भी यही लाना पड़ेगा। पकड़े तनु, तू चल यार, तू भाग लेके इसको पकड़। तनु, ये इनके साथ मिली हुई है, चल भाग भाग। तू इधर जा रहा है, तू इधर आ। तुम्हारे कारण, तुम्हारी उस ज्योतिका के कारण। वो वहां फंसी हुई नहीं है, उसका काम यही है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़कियों को वहां ले जाए। वो वहां गंगाधर के लिए काम करती है और उसकी वजह से आज अज्जू भी वहां फंस गया। हे भगवान, ना जाने वो लोग अज्जू के साथ क्या कर रहे होंगे। हेलो, हाँ समर बोल रहा हूँ। गंगाधर? गंगाधर अज्जू कहाँ है? हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहा गंगाधर ने? उसने साफ साफ कह दिया है कि वो अज्जू को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम तुम्हें उसके पास वापस ना भेज दें। मुझे पता था मुझे। देखिए, आप लोग पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं वापस जाने को तैयार हूँ। आसमा प्लीज, कुछ भी हो जाए तुम वापस नहीं जा रही, और प्लीज हमें कुछ सोचने दो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रास्ता निकल आएगा? नहीं, निकल आया है। अब हम ये सब छोड़ चुके हैं। पहले हम मांडवली करवाते थे और तब इस काले जहां का कोई भी काम लम्हों में करते थे, पर अब इस काले धंधों से हम तौबा कर चुके हैं। पर अहमद भाई, ये कोई गुनाह नहीं है, ये तो एक अच्छा काम है। मियां पर गुजरना तो उन्हीं गलियों से पड़ता है ना। ना भाई, हमसे ना होगा, अब हमें माफ करो। पर अहमद भाई, कोई बात नहीं अहमद भाई, शायद आप अपनी जगह सही हैं। बड़ी मुश्किल से इंसान इस तरह का फैसला ले पाता है, आपको उस पर कायम रहना चाहिए। थैंक्स एनीवेज। सुनो मिया, हम तुम्हारा काम तो नहीं कर सकते, पर तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं जिससे शायद तुम्हारा काम हो जाए। राव साहब, आप कहीं अंडरवर्ल्ड डॉन राव साहब की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ वही। ये गंगाधर और उसके जैसे तो सब यादें हैं, बादशाह एक ही है राव साहब। ये जो भी करते हैं उसी के कहने पे करते हैं, उसी के दम पे करते हैं। अगर वो नहीं कहे तो ये कुछ नहीं करेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर तुम राव साहब को अपने बस में कर लो तो ये गंगाधर तुम्हारा, तुम्हारे दोस्त और उस लड़की का कुछ नहीं कर पाएगा। क्या बात करें यार, एक तो पहले से ही गंगाधर हम पर भारी पड़ रहा है और आप राव को कब्जे में करने की बात कर रहे हैं।
राव साहब को बस में करना आसान है क्योंकि उनकी एक कमजोरी है और वो है उनका पोता। आप राव साहब के बारे में नहीं जानते मियां, उस बंदे की एक खास बात है, उसकी जबान। उन्होंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। उनके पोते को कब्जे में लेने के बाद अगर आप लोग एक बार उससे वादा ले लो कि वो आपको, आपके घर को, उस लड़की को कुछ नहीं करेंगे, तो समझो आप लोग हमेशा के लिए महफूज। और जहां तक उनके पोते को उठाने का सवाल है, उनके पोते की कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। बच्चा रोज स्विमिंग सीखने जाता है, उसके साथ कोई अंदर नहीं जाता, बच्चे को पसंद नहीं, बस एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है, तुम्हें बस उस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को संभालना है। बच्चा तुम्हारे कब्जे में, समझो राव तुम्हारी मुट्ठी में। छोटी सी बात थी बाबा, पता नहीं कैसे इतनी फैल गई। उन लड़कों को यहाँ लेकर आना मेरे पास। बाबा मैं सब संभालूंगा बाबा। उन लड़कों को मेरे पास लेकर आना। लेकिन बाबा मैं सुनो, आपके बाद इस पूरे मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा, कोई दखल नहीं, निकल। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या बर्दाश्त कर रहे थे अपन को नहीं पता तनु भाई, अपन को लगता है वो अहमद भाई का खुद का कोई लफड़ा था राव के साथ, इस वास्ते अपन से बच्चा उठवा। रजनी ध्यान से सोच, ध्यान दे, कहाँ लेकर गएंगे बच्चे को यार। समझ भाई अपन को सही में नहीं मालूम, अपन तो रोकने का ट्राई भी किया, वो अपन को मारा में। शिट यार, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने राव से कांटेक्ट करने के लिए गंगाधर के पास मैसेज भी भेजा दिया कि राव के पोते को हमने उठाया है। अब क्या करेंगे यार समर? I have no idea यार, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और थोड़ी देर में राव का भी फोन आएगा, पर रज्जू के बदले हम उसको देंगे क्या? और उसका पोता अगर नहीं लौटाया तो पता नहीं रज्जू के साथ क्या करेगा वो। हमारे दोस्तों से बात हुई, कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। मैंने कहा तुम्हारे दोस्तों से, ठीक है भाई तुम मेरा पोता दे जाओ, अपना दोस्त ले। तो बोले कि 3 दिन के बाद करेंगे अदला बदली। 3 दिन के बाद सेफ्टी के लिए सोच समझ कर करेंगे। बात तो डाल दिया इतने बड़े काम में, अब कुछ ज्यादा ही घबरा रहे। वैसे एक बात कहूँ अर्जुन, इस उम्र में तुम्हारे दोस्त अगर इतना डरते हैं तो इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? और जब कदम उठा लिया तो फिर इतना डर? आज की युवा पीढ़ी में इतना डर? क्योंकि वो क्रिमिनल्स नहीं है ना। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ खास नहीं, पर चीनी ने पता लगाया है कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। आई होप उन्हीं जगहों में से कहीं मिल जाए। मैं मियाँ आप क्यों फिक्र करते हैं, अब ये भी साथ हमारे मुताबिक चलेगी। जी हाँ,
राव की नब्ज हमारे हाथ में है। हाँ अच्छा, हाँ आप कहाँ पहुंचे हो? हाँ अरे भी बच्चे को शाम तक कुआं पहुंचाना है, यहाँ रखना मुनासिब नहीं है। हाँ 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 भाई, बच्चे के लिए खाना लेने गया था, आप इतनी शराफत तो दिखानी पड़ती है ना। हाँ अच्छा आ जाना जल्दी। ओके ये लो छोटे ननाब, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, जल्दी से खा लो। हाँ फिर तुम्हें बड़े लंबे सफर पे जाना है, लो मैं तुम्हारे लिए प्लेट लाता हूँ। ठीक है रुक रुक रुक, गाड़ी रुक। गाइस तुम्हें क्या लगता है इस तरह से हम उसे ढूंढ पाएंगे? ये सातवीं जगह है। We have no other choice, yeah. कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। चलो। तुम्हें नहीं लगता अर्जुन जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए? हाँ? इस लड़की के चक्कर में गलती से कुछ ज्यादा ही आगे नहीं? नहीं नहीं, गलती से नहीं, बहुत सोच समझ कर, और जल्दी तुम जैसे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। बातें बातें सिर्फ बातें, अरे कुछ करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, हिम्मत की। मैंने हिम्मत दिखाई तो मेरा मुंबई पर राज है, बल्कि पूरा इंडिया जानता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन आज का यूथ सिर्फ बातें। तुम जैसे लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि आज का यूथ सिर्फ बोल के तुम्हें समझाता है, अगर कुछ करने पे आए ना तो तुम जैसे थर्ड ग्रेड गुंडों की जमात ढूंढने पे मुंबई में तो क्या पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। भीख मांगते हो नजर आओगे तुम लोग, भीख मांगते हो। बाबा का कुछ नहीं जाता, एक बार जबान दे दी तो दे दी, बेटे के चक्कर में लौंडे को भी छोड़ देंगे और लौंडिया को कर देंगे आजाद। पर वो मेरे एरिया से गए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ देंगे। के युवा में इतना घमंड, उस लड़की को बचाना चाहते थे ना? ठीक है देता हूं एक मौका, 30 दिन के अंदर अगर उस लड़की को मुंबई से बाहर ले जाके दिखा दो तो मैं हारा तुम जीते। मान जाऊंगा कि आज के युवा में कुछ करने की ताकत है, बंद कर दूंगा अपने सारे धंधे, छोड़कर चला जाऊंगा मुंबई। बोलो मंजूर है? मंजूर है।